प्रथम चरण में टीकाकरण से बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सोमवार को मॉपअप राउंड आयोजित किया गया। 54 बूथों पर 4,861 कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 1,879 लोग ही बूथों पर पहुंचे, उन्हें टीका लगाया गया। इनमें 989 पुरुष व 890 महिलाएं थी। लक्ष्य के मात्र 38.7% को ही वैक्सीन की पहली डोज दी जा सकी। इस दौरान बूथों पर अफरा तफरी का माहौल था। यह मॉपअप राउंड स्वास्थ्य कर्मियों के लिए था, लेकिन पिछले टीकाकरण दिवसों पर टीका नहीं लगवा पाए फ्रंट लाइन वर्कर भी कुछ बूथों पर पहुंच गए। इनमें पुलिस कर्मियों की संख्या ज्यादा दिखी। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभाली। जो पहुंचे पुरानी सूची नाम देखकर उनको टीका लगा दिया गया। ज्यादातर ऐसे लोग पहुंचे थे जिनके पास ना तो कोई मैसेज गया था और ना ही उनका सूची में नाम था, इसलिए भीड़ तो उमड़ी लेकिन टीकाकरण फीसदी गिर गया। मॉपअप राउंड में अब तक का सबसे कम टीकाकरण हुआ है। आपको बता दें, जिन 6 बूथों पर 310 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली बार 16 जनवरी को टीका लगाया गया था, उन्हें उसी बूथ पर दूसरी डोज दी गई। इनकी संख्या 310 थी, लेकिन दूसरी डोज देने के लिए मात्र 214 लोग ही पहुंचे। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अंतिम मौका था। जिन्होंने मॉपअप राउंड में टीका नहीं लगवाया है, उनके लिए दूसरा टीकाकरण दिवस आयोजित नहीं किया जाएगा। उन्होंने सामान्य जन के साथ पुनः पंजीकरण कराकर टीका लगवाना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, मैं डॉक्टर बीके सुमन, जिला अस्पताल गोरखपुर, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मेरा कोविड का सेकेंड डोज बूस्टर डोज लगा है। पहला डोज 16 जनवरी को लगी थी, कोविशील्ड लगी है और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कोविड का इंजेक्शन सेकेंड बूस्टर डोज लगे हुए करीब 10-15 मिनट हो चुके हैं, किसी तरह की कोई परेशानी हमें महसूस नहीं हो रही है। और पहली डोज भी लगी थी, इसमें भी किसी तरह की कोई परेशानी हमें नहीं महसूस हुई। और लगाने के बाद मैं अपना रूटीन काम में मरीजों को देखना, वार्ड में मरीजों को देखना, ओपीडी मरीजों को देखना, अपना रूटीन काम करता रहा हूँ। सर, किस तरह के मरीजों को ये डोज नहीं लगाई जा सकती है? कुछ एक इंडिकेशंस हैं, कुछ हैं जिसमें वो मरीजों को नहीं लगाई जाती, जो खास करके जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, जो ब्लड थिनर पे हैं, जो कार्डियक पेशेंट हैं, उस तरह के मरीजों को अवॉइड किया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा है। और खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको नहीं लगाई जा रही है। और ब्लड थिनर जो ले रहे हैं, एसीट्रोम है या जो और भी जो दवाएं हैं उस तरह के, तो उसको नहीं लगाई जा रही है। आज 15 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मियों का मॉप राउंड था और उन स्वास्थ्य कर्मियों का जिनका 16 जनवरी को टीका पहला डोज टीकाकरण लगा हुआ था, उनका सेकंड डोज लगना था। तो इस तरह से पहले 16 जनवरी को
310 लोगों का पहला फर्स्ट डोज टीकाकरण हुआ था, आज उनका दूसरा डोज का टीकाकरण हो चुका, वो बिल्कुल ही इम्यूनाइज हो गए, सभी लोग आए थे उनका टीकाकरण हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास मापअप राउंड था, जो छूटे हुए स्वास्थ्यकर्मी थे उसमें 4551 स्वास्थ्यकर्मी जो छूटे हुए थे उनको भी लगना था, और लेकिन 1456 लोग ही का ही टीकाकरण अभी तक हो गया, अभी तो टीकाकरण जारी है, कुछ लोगों का और टीकाकरण होगा। इस तरह से अभी तक हमें 30% की उपलब्धता हुई है। देखा गया है कि हम लोग फ़ोन करते रहे तो देखा गया कि कुछ लोग कुछ ही बीमारी से ग्रसित हैं, इस वजह से उन्होंने टीकाकरण के लिए उनको मना भी कर दिया गया था और टीकाकरण के लिए आए भी नहीं। बहुत सारे लोग बाहर थे, जो इस ज़िले से बाहर थे उनको बताया गया तो कहे हम ज़िले से बाहर हैं, हमारे लिए हमारा आना थोड़ा संभव नहीं है, इसलिए हमारा लक्ष्य थोड़ा सा कम रहा और मैक्सिमम लोगों का जो यहाँ पर मौजूद रहे उनका टीकाकरण हो गया। सर, मापअप राउंड में कितने स्वास्थ्यकर्मी अभी बाकी रह गए थे? मापअप राउंड में अगर पोर्टल से देखा जाए तो हमारे पास 4551 स्वास्थ्यकर्मी छूटे रह गए थे। सर, इसका आगे का वैक्सीनेशन का डेट अभी मिल पाया है? अभी दूसरा जो डोज जो 22 जनवरी को जिन लोगों स्वास्थ्यकर्मियों ने जो पहला डोज लगाया था उनके लिए 19 फरवरी को सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन है, उसमें भी वो सरकार की अनुमति से हो सकता है कि जो छूटे हुए हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं 19 तारीख का उनका भी संभवतः हो जाए, जिसके लिए गाइडलाइन आएगी तो हम लोग जारी करते रहेंगे। सर, जिन लोगों का अभी पहला टीका लगना है या जिन लोगों का पहला लग गया है और दूसरी डोज उनको अभी लगनी है, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल ही, जैसा कि सभी लोग टीकाकरण के बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बड़े बहुत हमारे ऑफिसर्स और इतने लोगों का 17,000 ज़्यादा लोगों का हमने टीकाकरण किया इस ज़िले में, सभी लोग बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा टीकाकरण जो अभियान बिल्कुल ही अच्छा है और ये कोरोना से लड़ने के लिए जो वैक्सीनेशन हो रहा है बिल्कुल ही सटीक है। जब समय मिले, जहां बताया जाए, जिस दिन बताया जाए वहां पर जाएं और टीकाकरण कराएं। सर, जिनका पहला डोज लग गया है अगर दूसरी बार उनके पास वो कार्ड नहीं है तो क्या वो जाके और अपना वो डोज लगवा सकते हैं उसके अंदर? बिल्कुल, उनको वर्बली बताया गया था, उनको कार्ड भी दिया गया था, उनको ये बताया गया था आपका दूसरा डोज किस तारीख को कहाँ पर लगेगा, और अगर उनका कार्ड कहीं मिस भी हो गया है तो उनको अगर ज्ञान है कि हमें इस तारीख को फला तारीख को वहाँ लगा था और इस तारीख को जो 19 तारीख को बुलाया गया है तो उसी जगह पर वो चले जाएंगे, दूसरा डोज उनको टीकाकरण का लग जाएगा।